खबर ललितपुर से है, जहां पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ललितपुर में आज गुरु पूर्णिमा के दिन नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व पुरुषों ने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आपको बता दें, इस दौरान मंदिरों, घरों एवं गुरुजनों के समाधि स्थलों पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना व प्रसाद वितरण हुआ। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का लिया आशीर्वाद। जगत गुरु कृष्ण गिरी महाराज ने बताया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ होता है। गुरु उस दीपक की तरह होता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। जी हाँ, देखिए अशोक जी, आप यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज जो है भारत सनातन संस्कृति का जो मुख्य पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा अपने यहाँ जो कुछ भी है, क्योंकि ज्ञान तो प्रकृति और पुरुष के माध्यम से प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन ज्ञान को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका जो श्रेय है या जिसका जो कार्य है वो गुरु को ही जाता है। गुरु ही अगली पीढ़ी तक अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान को पहुंचाता है। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में देवताओं से ऊपर भी गुरु का स्थान दिया गया है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, ऐसा सब लोग जानते हैं। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक भ्रांति जरूर उस समय समाज में फैली हुई है। गुरु को शरीर के रूप में कुछ व्यापारिक लोगों ने गुरु को धंधा बना लिया है। गुरु परंपरा आजकल व्यापार के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है, जो एक सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप यहाँ पे आई हैं? हमारा नाम है कांति सिंह, लखनऊ से आ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज हैं। अपने गुरु का सम्मान, अपने गुरु का पूजन करने के लिए हम लोग बहुत इच्छुक रहते हैं। कब आए थे आप? कल आए थे। जी, क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, कहाँ से आए? जी, हम इलाहाबाद से आए हैं। हमारा नाम है निर्मला सिंह और हम अपने गुरु जी का गुरु पूर्णिमा पे सम्मान करने आए हैं और यहाँ उनका जो आशीर्वाद लेने आए हैं। और क्या